अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का मज़ा ले रहे होंगे। आज काफ़ी सुबह सवेरे लाइव आया हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बेरोज़गार हूं। और जो मैंने टॉपिक लिखा है बीजेपी कांग्रेस, मेरा मकसद सिर्फ़ एक है इस वीडियो का। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए उन चीज़ों को जो हम लोगों ने आज से पहले एक्सपीरियंस किया है, आज से पहले हम लोगों ने सीखा है। क्या बीजेपी कांग्रेस का या कांग्रेस बीजेपी की विकल्प है सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में, देश के अंदर में, अपने भारत में? क्या इस देश में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, वो भी विकल्प नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन के वक्त ही नज़र आते हैं? मैं ये सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गलती हम लोगों को दोबारा नहीं दोहराना है जो गलती हम लोगों ने 2014 में दोहराया था। पार्टी को चुनकर नहीं, सत्ता बदलने की जो तौर तरीके थे, जो सत्ता बदलने के हमारे क्राइटेरियाज थे, हमारे जो मापदंड थे, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि 2014 से जिस प्रकार की कैंपेनिंग की गई थी कांग्रेस के खिलाफ, और इसमें सच्चाई भी थी या झूठ था वो मैं नहीं जानता, क्योंकि आज तक जो फैसला नहीं आ पाया, या आज तक किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, आज तक कोई जेल में नहीं गया, तो वैसे लोगों को अगर हम ये कहें कि सच या झूठ है तो वो बेवकूफाना हरकत होगी। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि बीजेपी कांग्रेस जो है एक दूसरे के ऐसा लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। आप देखना, याद करिएगा, कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को याद भी होगा कि जब 2014 का इलेक्शन होना था तो 2G घोटाला, न जाने कौन सा घोटाला, 3G घोटाला, उसके बाद से कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, इस तरह के 500 घोटाले सामने आए थे। और लगातार भ्रष्टाचारियों को लेकर, काला धन को लेकर, और इस बीच में मतलब ऐसे कई ऐसे मुद्दे थे, बेरोजगारी को लेकर, किसान को लेकर, लेकिन उसमें सबसे अहम मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें दिल्ली में भी बहुत सारे मामले हुए थे, बलात्कार जैसी घटनाएं घटी थी, निर्भया वाला मामला घटा था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसको लेकर लोगों में एक रोष था, एक एंटी इनकम्बेंसी, जो एक 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 वो भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार सत्ता को बदल देना है और बीजेपी को लाना है। मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का कि आज देखो फिर वही कहानी चल रही है, ना उस 2G घोटाले, ना 3G घोटाले, ना कोलगेट, ना CAG, ना ही कॉमनवेल्थ गेम, ना ही जितने भी घोटाले हुए पिछले सरकार के वक्त में, आज में उसमें से कोई भी जेल में नहीं है, बल्कि जो उस वक्त के जो कल्प्रिट थे, जो उनका मुख्य आरोपी थे, वो आज की सत्ता में शामिल होकर वो बिल्कुल आरोप मुक्त हो चुके हैं। तो अभी जो कांग्रेस के साथ बीजेपी कर रही है, या बीजेपी कांग्रेस के साथ कर रही है, बिल्कुल वो वही कहानी है, वही तर्ज है, वही ट्रेंड है जो हम लोगों ने 2014 में देखा था कि बीजेपी बस एक मामले में घिरा कर रही है कांग्रेस, कि राफेल का मामला है, राफेल का मामला है, और भी बहुत सारे घोटाले आए सामने, और भी बहुत सारे मुद्दे आए सामने। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है, किसान, हमारी रोजगार, हमारी भविष्य की बात, हमारे स्वास्थ्य की बात, हमारे किसानों की, आर्मी की बात, जवानों की बात, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें बातें होती थी इलेक्शन के, वो आज वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, लेकिन जो कहानी है, जो फिल्म बनाया जा रहा, जो स्मोक स्क्रीन तैयार किया जा रहा आपके सामने में, कि आप उसके पीछे की चीज़ें ना देख सकें, जो मेन मुद्दा है उसको ना देख सके। देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस को एक दूसरे का विकल्प नहीं बनाना चाहता, ना ही बनने देना चाहिए। ये विकल्प अगर रहा तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कमज़ोर होगा। इससे हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी केवल कांग्रेस या बीजेपी को ही चुनते हुए लाया जाए तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। कांग्रेस, बीजेपी जो अभी आई है, बीजेपी पे जिस प्रकार का हमला हो रहा है कांग्रेस के द्वारा, वो वैसे ही है जिस प्रकार से घूम घूम कर मोदी जी 2014 में किया करते थे, लेकिन अभी भी अहम मुद्दे वहीं पे अटके पड़े हुए हैं। तो मकसद मेरा ये है इस वीडियो बनाने का कि आप उन लोगों को ज़रूर हराइए जो सांप्रदायिकता के रंग देश में घोलने की कोशिश करते हैं, जो आपस में झगड़े। देखो, हम वैसे ही कमा रहे हैं खा रहे हैं, आप भी वैसे ही कमा रहे हैं खा रहे हैं, और कल भी लोग जो गरीब थे, जो किसान थे, जो नौजवान थे, वो वैसे ही ज़िंदगी को बसर करेंगे। ये कुछ सरकारें बदलने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आइडियल इन्वायरमेंट देश में तैयार हो, एक खूबसूरत माहौल देश में तैयार हो, अमन शांति वाला देश में सामना आए, ताकि सामने आए, ताकि हम लोग उस माहौल में खुद को विकसित कर सकें, खुद को उस लायक बना सके कि हम खुद से मेहनत करके कमा लें, क्योंकि कोई सरकार आपको नौकरी आके नहीं देने वाली है। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि मैं जब भी लाइव आता हूँ, जितने भी दोस्त हैं और जितने भी फॉलोअर्स मतलब लिस्ट में हैं, सब साथी हैं,
किसी को भी नौकरी अगर सरकारी मिली हो तो ज़रूर उस वो कमेंट करें, मैं जानना चाहता हूं कि मिली है कि नहीं मिली है। तो ये अहम मुद्दे हैं। हाँ, उन लोगों को ज़रूर हराइए जो सांप्रदायिकता के रंग देश में घोलने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, जात पात के रंग में रहना चाहते हैं। लेकिन सत्ता को बदल के केवल मतलब हम ये सोचें कि नहीं यही विकल्प है, कांग्रेस विकल्प है, बीजेपी विकल्प है, तो ये यकीन मानिए यह आपके साथ खिलवाड़ होगा, हम लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ होगा। ले देकर कौन नजर आ रहा है? हाँ भाई कांग्रेस। क्यों? तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं नजर आ रहा है हमारे को? बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको मौका दिया जाए। लेकिन बीजेपी को हटा देना इस मुद्दे पर कि भैया राफेल का घोटाला हुआ था या फिर इस तरह की बातें हुई थी कि जो हमें पसंद नहीं आती है, तो ये आंखें बंद करके काम नहीं करना। फिर वो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी वैसे ही हल्ला करेगी, ये घोटाला वो घोटाला, है ना। तो कहने का मतलब साफ है कि जो मेन मुद्दे हैं उसको आप अपना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स हमारे देश में होना चाहिए, उसके लिए हम सबको कोशिश करना है। रोजगार क्यों नहीं मिले, है ना, अमन शांति क्यों नहीं है, उन नेताओं को ज़रूर हरवाइए जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, उन लोगों के खिलाफ ज़रूर मोर्चा खोलिए जो सांप्रदायिकता के रंग रंगना चाहते हैं हमारे देश के अंदर में। वेरी सिंपल, अगर ये काम हम लोग कर दिए तो हम लोग एक सीधा साधा संदेश दे सकते हैं इन नेताओं और इन सत्ताधारी पार्टियों के कि आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन देश में अमन शांति को भंग करने वाले जो लोग होंगे उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम लोग मौका नहीं देंगे कि हमारे देश के अंदर में आके शासन करे, राज करे या हमारा वो सांसद चुना जाए। और आप लोग यकीन मानिए किसी भी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को देखकर पार्टी मत चुनी कि अरे भैया बहुत अच्छा बोलते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं राहुल जी, बहुत अच्छा बोलते हैं कोई और नेता। हमें चुनना है अपने सांसद, अपने विधायक को देखकर, क्योंकि वही है जो इमीडिएट आपके ऊपर का लीडर है, जो आपके शहर का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का वो विकास करेंगे। अगर वो नहीं कर सकता तो कोई प्रधानमंत्री आके नहीं करेगा। प्रधानमंत्री अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियां को निभाएगा, उसके नीचे के, जैसे आप एक कंपनी में अगर काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो ब्रांच मैनेजर होता है या कंट्री मैनेजर होता है या कंपनी मैनेजर होता है, वो आके आपके टेबल पर बैठ के काम नहीं करता है, बल्कि वो टेबल पर काम करता है जिसको ड्यूटी दी गई है, आपके पेपर कलेक्ट करना, आपकी सहायता करना। वो अगर काम नहीं करता है, वो घूस लेता है, तो हम ये कहें कि कंपनी का मैनेजर को पकड़ो और ये करो, हाँ ये ज़रूर बात है कि कंपनी का मैनेजर या कंट्री का पीएम, उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर है कि वो चेक करता रहे, वो औचक निरीक्षण करते रहें, जाके इंस्पेक्ट करते रहें कि उनके जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी इतनी तो ज़रूर बनती है। लेकिन अगर हम लोग सीधा साधा एक 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 संदेश दे दें कि नहीं, मुझे वो पीएम चाहिए, मुझे वो एमपी चाहिए, मुझे वो सांसद चाहिए, मुझे वो विधायक चाहिए जो डायरेक्ट लोगों की समस्याओं को सुनता हो, मेहनत दिन रात करता हो, उसके लिए सैलरी ले रहा है, उसके लिए उसको हर तरीके सुविधाएं मिल रही हैं, उनको मतलब टैक्स फ्री बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, उनको बहुत सारे सब्सिडी पर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, रेलवे ले लीजिए, टेलीफोन ले लीजिए, यातायात ले लीजिए, आवास ले लीजिए, हर वो चीज़ मिल रही है और बिल्कुल मतलब कि सब्सिडी पर सस्ते में। तो वैसे लोगों को नहीं छोड़ना है, वैसे लोगों को पकड़िए। हम एक ही चीज़ को बीजेपी को कांग्रेस का, कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प मान के चलेंगे तो यकीन मानिए देश की समस्याएं वहीं रह जाएंगी, गरीबी बढ़ती रह जाएगी। अभी भाई कहते हैं ना कि समस्याएं हमारे देश में हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो गरीबी हमारे ऊपर थोपी गई है। आप देखो ना, सुन के कितना अजीब लगता है ना, एक सपना सा लगता है, महीने का लाख रुपये कमाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, पढ़े लिखे इंजीनियर लड़कों की हालत ख़राब हो जाती है, 15,000-10,000 रुपये महीने पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं इंजीनियर। आप समझ लीजिए कि उस देश में जहां पर इतनी समस्याएं हैं, वहां पर लोग सुनाई देता है 15,000 करोड़, 13,000 करोड़, कई लाख करोड़ के घोटाले हो जा रहे हैं, एक बंदा लेके भाग जा रहा है, एक बंदा उसको इस प्रकार से उस पैसे को बर्बाद कर दे रहा है कि मतलब उससे हजारों लाखों घर की जिंदगी बन जाती। कितना अजीब सुनने को लगता है ना, लेकिन हम लोगों को कानों की आदत हो गई है। वो हमारे पैसे हैं, वो आपके पैसे हैं, वो हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे हैं जिसको लोन के रूप में सरकार देती है, और वो पैसा का इस्तेमाल कोई एक बंदा करके बर्बाद कर देता है और लेके भाग जाता है। तो ये सोचने की कोशिश कीजिए आप लोग। कभी भी यकीन मानिए, जितने लोग हो सकता है भाजपा के समर्थक हों या विरोधी हों, जो कांग्रेस के समर्थक हों विरोधी हों, वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन तार्किक सोच रखिए, ईमानदारी से सोचिए कि क्या वाकई में भाजपा का विकल्प कांग्रेस है या कांग्रेस का विकल्प भाजपा है। भाजपा सरकार अभी शासन में है, ठीक है, लेकिन अगर जो इलेक्शन आने वाला है 2019 में, जो सांसद को चुनेंगे हम लोग, उन सांसदों में आप सीधा संदेश दीजिए
कि जो सांप्रदायिक सांसद है, जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, हम उसको नहीं मौका देंगे, हम उसको नहीं बढ़ावा देंगे, हम उसको नहीं चुनेंगे। पीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा उसकी बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि संसद में वो आप जिसको चुनेंगे वो जाके बैठेगा, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट जो इफेक्ट डालेगा वो आपके द्वारा चुने गए विधायक और सांसद होंगे। वेरी सिंपल। तो सांसद का भी इलेक्शन होने वाला है, जो एमपी को हम लोग चुनेंगे 2019 में, तो उसमें आप लोग सीधा सीधा का सीधा जवाब दीजिए उन सांसदों को, उन पार्टियों को, कि हम आपके सांप्रदायिक नेता को नहीं चुनेंगे। हाँ, बीजेपी में भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अदर क्षेत्रीय पार्टियों में भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, या जो क्या कहते हैं, एक चीज़ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने बेरोजगार लोग हैं, जितने भी वो नौजवान जो वाकई में इस संस्था सिस्टम से परेशान हैं, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे कैंडिडेट बनने की कोशिश करें, वो लोग इलेक्शन में खड़े होने की कोशिश करें। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। हर क्षेत्र से, हर जिले से 10, 20, 25 जितने भी नौजवान हैं, सब इलेक्शन में खड़े हों। आप देखो, जिस दिन ये काम होने लग जाएगा ना, नेताओं के पास, आपके पास नौकरी के सवाल होंगे, आपके पास किसानों के सवाल होंगे, आपके पास स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, रोड, इन सारे चीज़ों के बारे में सवाल होंगे, तो वो नेता जो आके गांव देहात वगैरह में या किसी ऐसे इलाके में जहां पर लोग कम विकसित हैं, वहां पर लोगों को आकर वो सांप्रदायिकता, जात के नाम पर वोट लेने की कोशिश नहीं करेगा। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, तब जाकर इन लोगों को थोड़ा सा सबक मिल जाएगा, है ना। मोहम्मद अल्ताफ सैफी भाई, 99% अगर बेईमान लोग हैं तो आप कितने प्रतिशत में हैं वो पहले डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद से वैसे ही लोगों को चुनिए जिस तरह के आप हैं। अगर आप अपने आप को ईमानदार कंसीडर करते हैं, मैं अपने आप को ईमानदार कंसीडर करता हूं, तो मैं भी उन लोगों को चुनूंगा जो मेरी तरह होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो उसी तरह के हम भी कैंडिडेट चुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद। इतना सुबह सवेरे लाइव आया हूं तो समझ सकते होंगे हम बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी हमारी समस्या है, बेरोजगारी पर सवाल होना चाहिए, ना कि राफेल। चलो, ये घोटाले हो रहे हैं, पैसे बर्बाद हमारे हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये वही चीज़ है जो 2014 में मोदी जी आए थे वाड्रा का नाम लेकर, 2G का नाम लेकर, 3G का नाम लेकर, CAG का नाम लेकर, उसके बाद से कॉमनवेल्थ का नाम लेकर, 50 घोटालों का नाम लेकर आए थे, लेकिन एक बंदा भी कोई कह देता कि कोर्ट से उनको जेल किया गया है। आपको याद होगा, मैंने आज भी वो वीडियो को सेव कर रखा है, मोदी जी आए थे तो बोले थे कि एक शुद्धिकरण की स्टार्टिंग होगी, शुद्धिकरण, और मैं उम्मीद अभी भी करता हूं कि अभी भी कुछ करके दिखा दे वो, कि कुछ ऐसे कल्प्रिट्स, कुछ ऐसे बिगड़ैल नेता जिसके बोल गलत हैं, जिसके हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को वो सफाई कर दे, मतलब हटा दे, उनको टिकट ही ना दे, तब एक संदेश जाएगा कि आप वाकई में देश में हिंदू मुसलमान एकता के साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके भाषणों में सुनने को मिलता है लेकिन एक्शन में नहीं दिखाई देता है। तो हो सकता है कि उनके नीचे के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो लोग उनकी बात नहीं मानते हों, वो लोग उनकी मदद नहीं करते हों। कांग्रेस एक विकल्प नहीं हो सकता। अभी आप देखो, मध्य प्रदेश में किसानों का मामला आया सामने, किसान वैसे ही रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मजाक हमारे साथ कर रहे हैं विधायक लोग, वहां के सरकार जो मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ पर भी वैसे ही कहानी हो रही है जैसा कि यूपी में हुआ था, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे माफ़ किया जा रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, जोश जज्बात में देश नहीं चलता है, तार्किक सोच रखना होगा, लॉजिकल वे में काम करना पड़ेगा, वैसे ही लोगों को चुनना पड़ेगा जो देश के लिए वाकई में सोचना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद करते हैं कि इशू बेस्ड जात पात पे मत आइएगा। देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा ना, वैसे वैसे मतलब गर्माहट बढ़ा दी जाएगी, हवा, आबो हवा जो है, जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास चुनावी माहौल है, उसको गर्म कर दिया जाएगा। ऐसा लगेगा नहीं नहीं छोड़ो सारी बातें, हम भूखे मरेंगे लेकिन हम जात वालों को साथ देंगे, भूखे मरेंगे हम अपने धर्म वाले को साथ देंगे, इस तरह की भावना को क्रिएट करने की कोशिश किया जाएगा आपके न्यूज़ के द्वारा, आपके विधायक के द्वारा, आपके सांसद के द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, यकीन मानिए। लेकिन उस समय जो संयम बरत लिया कि नहीं नहीं यार, कुछ भी हो जाए हम जात धर्म के नाम पे वोट नहीं देंगे, जो भी अच्छा कैंडिडेट हम उसको चुनेंगे, नहीं जाकर नोटा पे वोट दे देंगे, भले जाके किसी कैंडिडेट को, वैसे इंसान को उठाकर वोट दिलवाएंगे जो उम्मीदवार जो है किसी दल का नहीं होगा, निर्दलीय होगा, बेहतरीन इंसान होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, कम से कम आपको संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने वोट दिया एक ईमानदार को, भले वो जीत जाए हार जाए वो अलग बात है, अभी भी जीत आकर किसी को आपने क्या अपना बना लिया, क्या आपके शहर का बढ़िया हो गया, नहीं ना हुआ। तो विकल्प ये मत देखिए कि मुझे केंद्र से बदल देना है बीजेपी को या कांग्रेस को ला देना, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।